देखे चक्कर आ जाएंगे, नीचे नहीं देखना और मड़ा आंखें बंद करो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये देखें कितनी ऊंचाई पर हम चढ़ रहे हैं, अपर नीलम, यही है जी नाम जी। अपर नीलम पहुंचने वाले हैं, तो नीचे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है ऊंचाई कितनी ज़्यादा है और चढ़ाई भी दिखा सकता है, दोनों चीज़ें दिखा सकता है अगर हिम्मत करे तो। आगे आपको चढ़ाई भी दिखाएगा, ऊंचाई तो दिखा दी, अब चढ़ाई की तरफ आ जाएगा तो मेहरबानी इसकी। ये चढ़ाई दिखा रहा है, ये 7 दरख्त हैं, गाड़ी बड़ी मुश्किल से चढ़ रही है, तो ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाड़ी का। तो फौजी साहब कितनी रहेगी चढ़ाई जी? तकरीबन 10-15 मिनट की रहेगी। अभी भी? अभी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, गड्डी के तो चीके निकल गई यार। ओए होए होए, तो उस्ताद जी इधर तो माड़ी गड्डी का काम नहीं है। हाँ जी, बस यही काम है, गाड़ी तो हमारी नहीं है माशाल्लाह, इंशाल्लाह अच्छी जा रही है, अभी तो सफर बहुत करते हैं। तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ 4 व्हील गाड़ी का काम है ये जी, 4 व्हील है ना, जीपे शीपे इधर चलनी चाहिए जी जी जी। आप क्या कहते हैं? जीप ही होनी चाहिए। आप सुनाए, आपकी दाढ़ ठीक हुई है जो दर्द करती रही? वो तेरी है, वो तेरी है, ये देखो, ये देखो नाजरीन, बड़ा ही कमाल का। हाँ जी जी, बड़ी कमाल की चढ़ाई है यार। ओह, आपको मजा आ रहा है जी? जी मुझे तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपकी दाढ़ से दर्द से आ रहा है या वैसे आ रहा है? नहीं नहीं, वैसे आ रहा है। दाढ़ मेडिसिन ली है? मेडिसिन खा ली। तो ये शेप नहीं बनाई आज? नहीं, शेप बनाएंगे वापसी पे। चलो, फौजी साहब कहते हैं शेप वापसी पे बनाएंगे उधर, क्योंकि ये भी फौजी है ना, तो कहते हैं पहले जंग जीते तो फिर फतह करें, तो फिर मतलब के जहाँ पर हमारा टूर है वो मुकम्मल करें तो फिर शेप बनाएंगे। लो जी, यहाँ से कैमरा मैन मेरा ऊपर भी दिखाएगा, अब नीचे भी दिखाएगा, पहाड़ी का सीन ये दिखाएगा। इतना दिखाओ जी, ओ चश्मा भी जा रहा जी, हिम्मत करें हैदर भाई, दिखाएं ये, देखें ऊपर दिखाएं किधर जाना हमने, वो देखें ऊपर को जाना किधर, हालत देखें जी है, अगर इधर बर्फ पड़ गई इधर उतारेगा कौन हैदर हमें नीचे? ये स्टील बाड़ी है, ये उतार देगा। स्टील बाड़ी है वो सामने दिखाया जी, बर्फ पड़ी वो सामने, ये नजर आई जी, वो इंडिया की बाड़ी। हाँ, इंडिया की है। हाँ, वो इंडिया की है बर्फ। अच्छा, इंडिया की हो तो कोई हो, बर्फ तो है ना जी, अब बारिश पड़ गई। ओ सामने इधर भी आई जी बर्फ, वो नजर आ रही है, मेरे ख्याल हम भी बर्फ में जा रहे हैं। देखो नीचे कहाँ से आ रहे हैं जी, वो दिखाए। ओए होए होए, नीलम ऊपर, ये तो कम क्यों जी भाई साहब? जी जी, बड़ा टाइट काम होता जा रहा है। अपर नीलम जा रहे हैं आप, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। ये देखिए जी, सामने कैमरा मैन दिखाया जी, ये कश्मीर है, काट आएगा, ये लाजमी दिखाना है, ये लाजमी दिखाना है। ये देखिए जी, ये गड्डी का ही काम है जी, इंजन बाहर आ सकता है। अब देखे जी नीचे सीन, नीचे देखे, नीचे ना देखे चक्कर आ जाएंगे, नीचे नहीं देखना और मड़ा आंखें बंद करो। यार हमारी आंखें नहीं बंद करवाए, ये इसकी बंद करवाए। अच्छा, इधर आंखें बंद रखना, गिर ना जाना, डर तो नहीं लग रहा इधर? अच्छा, कांपे टांग रही है? कांपे टांग रही कि नहीं भाई साहब? टांगे कांप रही है उसकी, टांगे कांप रही है, कांपे नहीं टांग रही। हां, कांप रही है। चले, हम अब बाकी जो है व्लॉग ऊपर चल के बनाएंगे तो पहुंचकर। तो जी नाजरीन, हम अपर नीलम आपको पता पहुंच ही गए हैं, तो हमारा भी खाना तैयार हो रहा है, तो उनसे बातें करेंगे। तो रात का टाइम है, तो हमारा बारबेक्यू तैयार हो रहा है, आए आपको दिखाते हैं और बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई? राजा अदीब। राजा अदीब। अदीब अदीब। अच्छा, ये आपका रेस्टोरेंट है? जी सर, मेरा रिजॉर्ट। इस नाम से क्यों रखा आपने सोचा? सर, एक तो इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री बड़ी इम्प्रेस करने वाली थी, तो बाकी इसकी पब्लिसिटी भी माशाल्लाह बड़ी थी,
तो मार्केट में इसका नाम चल रहा था, तो जब हमने इसका नाम रखा अर्तुगरुल, हाँ, तो इसका फीडबैक भी बड़ा हमें अच्छा मिला। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो जब कोई फैमिलीज आ रही है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, वो जैसे ही बोर्ड पे नज़र पड़ती है, अच्छा, कह रहा है जी अर्तुगरुल आ गया, अर्तुगरुल आ गया। तो बड़ा अच्छा इसका जो है ना नाम भी चल रहा है। तो बाकी माशाल्लाह से आप लोग आए तो आप ही बताएं कि कैसा लग रहा है आपको रूम शूम। और बड़ा शाम के टाइम जब पहुंचे थे ना तो बड़ी सर्दी लग रही थी, अभी कोई इस तरह नहीं, हीटर वीटर लगा है, बस हो रहा है, सही है सिस्टम, ये हमारा खाना भी पक रहा है माशाल्लाह। उस टाइम थी, अभी नहीं मसला। हाँ, उस वक्त तो आप गाड़ी से, जब गाड़ी में थे तो हीटर शीटर शायद लगे हुए थे, तो जब नीचे उतरे तो आवाज़ आती, ठंड बड़ी ज़्यादा लगी, उसके बाद हीटर शीटर आपको दी, अब थोड़ा वेदर नॉर्मल भी है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैंने कैप भी पहनी, टोपी भी पहनी हुई है इस इलाके की, और साथ में मैंने अपना अपर भी लिया हुआ है, तो जैकेट। और ये भाई से मज़ीद हम पूछेंगे इस इलाके की क्या ख़ास सौगात है। सर जी, इसमें सबसे पहले तो बताऊँ आपको कि ये आज़ाद कश्मीर, इस तरफ आज़ाद कश्मीर है, उस तरफ ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके वो सामने, वो जो सामने लाइटें, तो वो सारी मकबूज़ा कश्मीर में सारी जगह पर इंडियन आर्मी है, इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडियन आर्मी है। जी जी, ये सामने इंडियन आर्मी है। अच्छा, ये सारी लाइटें सारी सारी। तो बाकी इंशाल्लाह अगर सुबह मैं आपको बता सकूं तो थोड़ा इस तरफ जाके सामने से आबादी शादी भी नजर आ रही है, लोकल जितनी आबादी है वो सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, कब्जा इंडिया का है, तो काफ़ी अर्सा ये फायर शायर रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 8-10 साल से इस इलाके में आमद है, टूरिज्म का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बाकी सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं। तो सीज़न में ये होता है कि हमारे पास बहुत रश होता है, आल पाकिस्तान से लोग आते हैं इधर, पास कहीं बर्फबारी हो रही हो या मौजूदा हो या देखने को हमें मिल जाए, पता है हमें बारिश पड़ेगी तो ये होगा, तो ये हमें मिल सकती है। सर इंशाल्लाह लाइव तो नहीं, दूसरी पड़ी बाबून वैली वाला ट्रैक है, तो इंशाल्लाह सुबह आपको वहाँ पर स्नो जो नीचे पड़ी होगी वो मिलेगी। चले, कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। आखिरी बात आपसे पूछें, या हमें जीप कौन सी प्रोवाइड करके देंगे अगर हम जाते हैं? सर आपके लिए होगी 4x4 जीप, तो जीप भी वो सामने होगी, 835 नंबर गाड़ी होगी, 835। वो कौन किधर लगी है 835? सामने जो रेड कलर, वो तो उसमें ठंड नहीं लगेगी हमें? नहीं, साइड है उसकी, त्रैपाल शाल है, बंद होती है। ये नहीं सही, ये वाला ये भी ठीक है, वो आपकी चॉइस, अगर आप ये लेना ज़्यादा बेस्ट, ये 4x4 नहीं है, उसमें ये होगा कि उसकी साइडें उस तरह भी इधर ओपन है, तो सारी 4x4 जिस जगह पे आपका दिल करे उसकी त्रैपाल ऊपर कर दी, वो साइडों के व्यू शो आपको बड़े इजी नजर आए। अच्छा अच्छा, व्यू के लिए ऊपर खड़े होकर ऊपर निकल आएंगे, सनरूफ जैसे निकलता है। जी जी, अच्छा अच्छा, तो ये इसका तो वो लोहे का चादर है? जी जी, लोहे का। तो जी नाज़रीन, आपने देख रहे हैं ये सुर्ख वाली गाड़ी, कैमरामैन दिखा सकता है, और साथ में ब्लू है, ये गाड़ियाँ हैं जीप, जो आगे बढ़ना हो ऐसे इलाकों में तो जीपों पर जाना पड़ता है। हम भी कोशिश करेंगे, अगर हमें सुबह हुआ तो हम ज़रूर आ जाएंगे। हमें आपने सौगात के बारे में नहीं बताया, आपके एरिए की सौगात क्या होती है? अच्छी सर, हमारा फ्रूट में जो होता है वो हमारे अखरोट होते हैं, नाशपाती, कश्मीरी नाशपाती है, वो ओवरऑल आप किसी जगह पे भी जाओ तो वो नहीं होंगे। उसके अलावा खुबानी भी होती है, जरचा भी होता है, नॉर्मल जैसे कोई दूसरे होते हैं फ्रूट, लेकिन जो स्पेशलिटी है वो अखरोट और नाशपाती की है। तो बाकी खाने में हमारे पास जो हमारे कश्मीरी दाल चावल हैं, दाल लोबियो होती है, वाइट राइस होते हैं, सरसों का साग होता है, साथ मक्की की रोटी होती है, लस्सी होती है, ये जो है हमारी सौगात है खाने में। मैं थोड़ा टेस्ट कर सकता हूँ? टेस्ट करें आप, स्पाइसी लग रहा है मुझे तो। सर मैंने टोटली ब्लैक पेपर इसमें उसका टच दिया, अच्छा टेस्ट है काफ़ी, लेकिन स्पाइसी क्यों रखा आपने? वो थोड़ा हमारे जो फौजी साहब थे उनकी फरमाइश थी, थोड़ा सा स्पाइसी करना है इनको, हल्का सामने इसको टच दिया। चले बहरहाल, फौजी साहब नहीं आइंदा के बाद ऑर्डर देते, फिक्र ना करें, खुद दूंगा मैं ऑर्डर, क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं, हर फौज में रहे ना तो अपनी मर्जी करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी आज के व्लॉग के लिए, तो अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।